मैं ये वीडियो सिर्फ छोटा सा एक वीडियो बना रहा हूँ ये बताने के लिए कि आप नीट का फिर से तैयारी करें या ना करें, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चों को 720 आया है, तो ऐसा लगता है कि 720 मार्क्स लाने के बाद भी दिल्ली एम्स में एडमिशन होगा कि नहीं, एक क्वेश्चन मार्क बन गया है। इस बार का नंबर देखने से यही पता चल रहा है कि जिसके पास भी 650 से ज़्यादा नंबर होगा उसी को गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, वरना सीट मिलना बहुत मुश्किल है। इसी सब को लेके कल काफ़ी देर तक लोगों का कॉल आता रहा, जनरल 1-1.5 बजे तक लोगों से बात होती रही, और ज़्यादातर बच्चे वो लोग कॉल किए कि जो कम मार्क्स लेके आए हैं। कि देखिए, जैसे आपने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम अभी दिया है, 12th पास किया, इमिडिएटली दिया है, तो अगर आपको 150-160 आता है और आपके अंदर कैपेसिटी है, आपने 12th में बहुत अच्छा मार्क्स लेके आए हैं, तो आप एक अटेम्प्ट ट्राई कीजिए और कोशिश करना है कि आप 650 से ऊपर ला सकते हैं, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, वरना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, और दूसरी बात कि जो 2 बार दे चुके हैं, 3 बार दे चुके हैं और वो अभी भी 350 के अंदर हैं, तो उनको एक बार सोचना पड़ेगा। नहीं तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, एलाइड कोर्सेज हैं, उसके ऊपर बात कीजिए, उसमें आप दाखिला लीजिए। क्योंकि देखिए, मेडिकल का जो फील्ड ऐसा है कि काफ़ी लंबा टाइम लगता है पढ़ने में, तो अगर 3-4 साल आप नीट को क्वालिफाई करने में लगा देते हैं, तो आप सोच लीजिए एक 10 से 15 साल आपका सिर्फ और सिर्फ मेडिकल में पढ़ाई करने में चला जाता है। तो इन सब को सोचते हुए आपको जज करना है। अल्टरनेटिव जो है एलाइड कोर्स, उसमें जाइए, नहीं तो एब्रॉड MBBS में जाइए। ये सारे चीज़ों पे अगर आपको और बात करना है तो आप हमसे बात कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। बाकी जो वीडियो हैं कि एब्रॉड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या हमको इतना नंबर आया है कि कहाँ सीट मिल सकता है, मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल।